एक तरफ सरकार शिक्षा के विकास के लिए आत्मानंद स्कूल खोलने के लिए अभिनव पहल कर रही है, दूसरी तरफ और हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां मिडिल स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करना एक सपने की तरह है। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमामोरा की, जहां बच्चों के लिए कॉलेज बीए बीएससी सिर्फ आठवीं कक्षा ही है। आठवीं कक्षा पास मतलब पढ़ाई पूरी खत्म हो जाती है, रह जाता है तो सिर्फ अधूरा सपना, लाचारी और बेरोजगारी। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर गरियाबंद विकासखंड के धूर नक्सल प्रभावित इलाका आमामोरा गांव, जहां प्रशासन ने आजादी के 75 साल भी बाद भी हाई स्कूल भवन नहीं बनाया है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूरस्थ पहाड़ी गांव में दो पंचायत आमामोरा और ओढ़ हैं, जहाँ 2000 कुमार भुंजिया आदिवासी लोग निवासरत हैं, जिसके अंतर्गत 5 आश्रित गांव अमलोर, हाथोडाही, नगरार, कुकरार, जोबापारा बसा हुआ है। सरकार ने यहां 7 प्राथमिक शाला और 2 माध्यमिक विद्यालय खोले हैं, जिसमें से 17 शिक्षक पदस्थ हैं और 250 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। और यहां के बच्चे हमेशा की भांति इस साल भी 8वीं कक्षा पास करके आगे की पढ़ाई करने के लिए शासन की बाट जो रहे हैं। बच्चों ने कहा कि उनको भी आगे पढ़ना है, उनको भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनने का उनका भी सपना है, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं होने से बच्चों का सपना अधूरा रह गया है। वहीं बच्चों के पालकों ने भी शासन प्रशासन से हाई स्कूल खोलने की गुहार लगा रहे हैं। हम हाई स्कूल के लिए शासन प्रशासन से कई बार हम मांग कर चुके हैं, हम आश्वासन के सिवाय और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे यहाँ बच्चा मन है आगे पढ़ाई नहीं कर पाते और मात्र आठवीं पास हो के बाद कोई छेरी बकरी चराते कर बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। और यहाँ से हाई स्कूल धवलपुर मैनपुर 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में है, ओकर कारण हमारे बच्चा मन नहीं पढ़ पाते। और शासन प्रशासन से हम 4-5 वर्ष से हाई स्कूल के मांग करते हैं, ओकर बाद भी शासन आश्वासन के सिवा आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर। आठवीं पास हो जाते ओकर बाद तो यहाँ स्कूल नहीं है ना, कुछ नहीं है, हाई स्कूल रहतीस तो लड़का मन पढ़ती। और लड़का मन तो पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर, शिक्षक सब बनना चाहते हैं, लड़का मन के पढ़ाई में रुचि है, लेकिन स्कूल नहीं होने के कारण मन पढ़ नहीं पाए। और यहाँ से दूरी धवलपुर 40 किलोमीटर की दूरी में है, रोड के भी रास्ता ठीक नहीं है, तो लड़का मन जा नहीं पाए, न पालक मन भी भेज नहीं पाए, रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ नीचे में, तो कहाँ कहाँ रही कहाँ सोई, यही सोच के ना पालक मन नीचे भेज नहीं पाए पढ़ाई करे बस, गांव में ही रहते और अपन हिसाब से घर में काम करते, छेरी बकरा जो भी है वो चराते, खेती किसानी में बनी भूती करके लेकर मन। गरियाबंद विकासखंड में सुदूर पहाड़ी अंचल में बसे हुए ग्राम हैं, वहाँ निकट में कोई भी हाई स्कूल संचालित नहीं है। हाई स्कूल की दूरी 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं वर्तमान में। वहाँ के ग्रामवासियों, सरपंच, उप सरपंच आदि सभी के द्वारा जो है हाई स्कूल खोलने का मांग